हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। देखिए फर्स्ट ब्लॉग बनाने लगी हूँ, अभी टाइम लगा है दोस्तों, तो देखिए कितना अच्छे हैं। तो आज ब्लॉग बनाने के लिए बहुत दूर से आई हूँ दोस्तों, तो आज बनाने लगी हूँ माई फर्स्ट ब्लॉग। तो आप लोग हमारा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा दोस्तों, अगर नए होंगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़रूर ज़रूर ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा आप लोग, और लाल घंटी ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा लोग। तो देखिए आज हम बताने जा रहे हैं कि किस पर बताने जा रहे हैं हम आप लोगों का। देखिए ये चारा है भैंस की खाने वाला, गाय का। तो अगर कहते हैं ना कि पंजाब में दोस्तों, अगर जितना भी अगर गाय का पून कर सकते हैं तो अगर बने रहते हैं पून भी करने वाला, यहाँ गौशाला में भी बनता है, यहाँ भी कहीं भी बनाओ। तो देखिए गौशाला में ही जाने के लिए चारा की है, तो हम गाय में ही कहते हैं कि 36 करोड़ देवता देवी होता है दोस्तों उनका। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर करिएगा आप लोग तो बहुत अच्छा है। अगर बूथ बार का अगर जाया करिए आप लोग भी गौशाला में, या उनका चारा डाल के आइए। आप लोगों का अगर काम ना बनता हो तो आप लोगों के काम ज़रूर बनेगा, आप लोगों का लिए बहुत कुछ बनता है दोस्तों। बाकी अगर उनका सेवा ज़्यादा करिएगा तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों का भी। अगर उनको अगर बुधवार के बुधवार अगर 5 बुधवार अगर डाल दिए तो अगर आप लोगों के ज़रूर अगर काम बनता बनता, काम बिगड़ता बिगड़ता अगर बिगड़ बनता रहेगा, कभी काम बिगड़ेगा नहीं, अगर बन जाएगा आप लोगों का। तो आप उनको करिए सेवा, और जितना सेवा करिएगा उतना भी अच्छा लगेगा आप लोगों का, बढ़िया लगेगा दोस्तों। आप लोगों ना ज़्यादा ज़्यादा करिए। अरे देखिए बहुत दूर से आए थे, हमारे पास तो कुछ है नहीं दोस्त, तो आज हम साइकिल पर ही चलते होते हैं बनाने के लिए ब्लॉग। और देखिए हमारा साइकिल सामने खड़ा है और टेम्पो वगैरह भी लगे रहते हैं, तब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दोस्त करके बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा हम ना थक जाते हैं, काम भी हमारा करना पड़ता है और हमारे तो कोई इनकम तो है नहीं दोस्तों, घर के काम करते हैं तो हम दुबक के रोटी खाते हैं दोस्तों। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड हमें कोशिश करिए शक्ल पहचानने के लिए, हम लगे रहते हैं आप लोगों के चरण में भी, आप लोगों हमारे साथ देने का कोशिश करिए दोस्तों कि एक आंटी ना लगी रहती है, एक आंटी करते रहती है तो अगर बहुत अच्छा रहेगा। एक पहचानने की कोशिश करिए दोस्तों, बहुत बढ़िया है। देखिए सीधा रास्ता पकड़ के आते हैं, इधर से देखिए मेन रोड पड़ता है ना, तो बहुत ही हम क्या बताएं दोस्तों। और आगे आगे आप लोग हमारा हालात तो देख ही रहे हैं कि क्या हालात है हमारा, है ना। जब टाइम लगता है जब मैं बनाती होती हूँ तो ये अब चारा कटने वाली है, अब गाय माता के ही जाएगा, तब तक के ब्लॉक करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे अगला ब्लॉक में, तब तक के बाय बाय। हेलो दोस्तों, देखिए हम लोगों ना फूफू भतीजी ब्लॉग बनाने लगे हैं, आज के ब्लॉग देखना नहीं भूलिएगा। अब बहुत दूर से आए हैं दोस्त बनाने के लिए, और देखिए हमारा भतीजी कुछ बोलना चाहती है, बोल माया क्या बोलना चाहती है बोल। लाइक करो बुआ का हमारा, शेयर सब्सक्राइब करो, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करो, बुआ का सब्सक्राइब करो और मेरे बुआ को लाइक कीजिए, और ना ज़्यादा ज़्यादा बनाने का कोशिश करिए, उनके शक्ल पहचानने का कोशिश करिए, मेरा बुआ को, मेरा बुआ को शक्ल पहचानने का कोशिश करिए आप, और ना लाइक कर दीजिए। बहुत दूर से मेरा बुआ बनाती है वीडियो, और देखिए दोस्तों बहुत अच्छे लग रहे हैं। यह है हमारे बाजार में पड़ते हैं, ये कहाँ पर पड़ते हैं, कुलियाबाल तिनकोनिया पार्क। अगर हमसे मिलना चाहिएगा तो हमारे से मिल भी सकते हो आप लोग, ऐसा तो बड़े तो हूँ नहीं कि मैं आप लोगों के रास्ता ना बताऊँ ना दिखाऊँ, मैं सबको दिखाऊँगा दोस्त। सब भी अगर मेरा इंस्टाग्राम पर जाइएगा आप फॉलो करिएगा तो उस पर भी मिलेगा आप लोगों का। तो देखिए कितना बढ़िया है ना दोस्तों, बहुत अच्छा है। और फिर से देखिए घुमा के दिखा दिया आप लोगों का, बहुत प्यारे प्यारे हैं लोग। हाँ देखिए बच्चे जा रहे हैं सारे पढ़ कर, अभी छुट्टी हुई है बच्चे को, फिर देखिए कितने सारे बच्चे हैं। आई सामने पड़ता है डंगर वाला स्कूल, तो अब डंगरों का भी इलाज करा सकते हैं तो करा जाए, तब तक के बाय बाय।